हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोपहर में हवा बहुत ज़्यादा चलती है, इस वजह से खाना बनाने में होने लगती है दिक्कत। तो ये बना रहे हैं चटाई। और गांव में अभी भी सर्दियों में लोग इस चटाई को बनाते हैं, इसको देसी गद्दा भी कहते हैं। और ये जो धान होते हैं पीटने के बाद जो इसका हिस्सा बचता है उससे बनाई जाती है। और इसको काफ़ी मोटा भी बनाया जाता है, गद्दे के तरीके यूज करते हैं यहाँ गाँव में सब लोग। लेकिन ये पतला बना रहे हैं क्योंकि हवा चलती है तो बगल में लगाएंगे। और ये आशी इसमें कर रही हैं आराम, लेट के देख रही हैं अच्छी है कि नहीं है। तो आज यही बनेगी, उसके बाद चटाई बना ली इन्होंने तो इधर लगा देंगे, क्योंकि हवा इस तरफ से ज़्यादा जाती है रसोई में। तो ये लगा देंगे यहाँ पर। और ये थोड़ी छोटी बनी है, इस वजह से पूरा ढक नहीं पा रहा है, उधर थोड़ी जगह बच रही है। तो उसको फिर बनाएंगे, तब लगाएंगे उसको। और उधर जो कूड़ा हुआ है उसको हम साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं उधर। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई। तो शाम का समय हो गया है, 3 बज चुके हैं। तो सुबह जो कपड़े हमने धुले थे वो उतार कर रख लेते हैं। और उसके बाद पापा ले आए थे इस बाज़ार से सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी निकाल के रख लेते हैं। और ये आशी सब्जी निकलवा रहे हैं साथ में। और इस समय हरी सब्जियां बाज़ार में बहुत अच्छी आ रही हैं, तो हमारे यहाँ भी सब्जियां खूब सारी आई हैं। और इसमें से आई हरी मटर। तो हरी मटर की सब्ज़ी रोज़ तो अच्छी नहीं लगती, तो आज हम इसकी कुछ नई रेसिपी बनाएंगे। तो इसका बनाएंगे आज हम निमोना, इसीलिए इसको छील रहे हैं, इसको छील लेते हैं। तो मटर को हमने अच्छे से छील लिया है और उसके बाद इसको धुल कर, और इसमें डाल दी थी 4-5 आलू, और धुल कर इसको चढ़ा दिया था हमने, नीचे गैस पे ही चढ़ा दिया था उबलने के लिए। तो जब तक ये उबल रही है तब तक हम छील लेते हैं लहसुन, और लहसुन हमने छील लिया है। और उसके बाद जैसे सब सब्जियों में मसाला पड़ता है, गर्म मसाला, जीरा, धनिया, तो वैसे इसमें भी डाल के पीस लिया है। और फिर डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्च। और थोड़ी सी अदरक भी हमने छील के डाली थी। तो ये मसाला हमने सिलबट्टे पे पीसा था, और टमाटर और प्याज हमने मिक्सी में पीस लिया था। तो मसाला हमारा अच्छे से पिस चुका है। और इधर हमारी मटर और आलू भी उबल चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और मटर को हमने सिलबट्टे पे थोड़ा दरदरा पीसा था। थोड़ा पीस लिया था और थोड़ा जो है नहीं पीसा था, उसको रख दिया था अलग। ज्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा करना है। उसके बाद छील लिए आलू। हमारी सारी सामग्री तैयार हो गई है। अब हम जा रहे हैं मटर का निमोना बनाने। तो सबसे पहले हमने चूल्हा जला लिया है, उसके बाद चढ़ा देते हैं कढ़ाई। और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल हो जाने पर उसमें डाल दिया है जीरा, हींग, थोड़ा सा कटा प्याज। उसके बाद थोड़ा भून लेते हैं, उसके बाद डाल देते हैं मसाला। और जब मसाला थोड़ा हमारा पक गया था तब उसमें डाल दिया था टमाटर और प्याज का पेस्ट जो बनाया था मिक्सी में।
इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये मसाला देर तक पकाना पड़ता है क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट भी रहता है। और उसके बाद डाल दिया था नमक, तो मसाला अब हमारा जो है अच्छे से पक चुका है क्योंकि ये जो तेल है ये छोड़ चुका है मसाला। तो दोस्तों मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, तो उसमें डालेंगे जो पीसा था हमने मटर, और जो खड़ी मटर निकाली थी वो भी डालेंगे। हमने इसको अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें डाल देते हैं आलू जो हमने उबाली थी। अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमने सब्जी को अच्छे से चला लिया है, भून लिया है अच्छे से। अब इसमें डाल देते हैं पानी। तुम्हारा निमोना जो है बनके हो गया है तैयार, चटपटा सा। अब इसमें डाल देते हैं हरी धनिया। ये देखिए हमारा निमोना अच्छे से बन चुका है, इसकी ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बनी है देखिए। तो अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो दोस्तों निमोना बनाने के बाद हमने बना ली हैं रोटियां। आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था, तो रोटियां बना लेते हैं। अगर आप लोगों को सब्जी खाने में अच्छी नहीं लगती आलू मटर की, तो आप एक बार निमोना बनाकर ज़रूर देखिएगा। खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में भी जल्दी हो जाता है, तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से सब्जी। और रोटियां हम बना लेते हैं। तो केक कौन सा लोगी, खोया वाला की वो मावा वाला? एक खोया वाला की क्रीम वाला? क्रीम वाला नहीं, क्रीम वाला नहीं आएगा उसको केक, खोया वाला केक आएगा। खोया वाला क्या क्या कर रही हो तुम, केक काट रही हो? केक है ये, केक है। तुमको केक अच्छा लगता है? केक अच्छा लगता है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो पहले। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हैं? ओए, ये क्या किया है? गंदी बात है बाबू। कैसे धुलेंगे सब? हाँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनती है निमोना की सब्जी। आपके यहाँ कैसे बनती है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देते हैं सबको नीचे चलकर खाना, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो हम आ गए हैं नीचे, और नीचे हो रहा है सबका खाना पीना। तो आसी भी लगी है सबको खाना देने में। आप लोग भी आइए और खा लीजिए आकर निमोना की सब्जी रोटी।
खाना पीना सबका हो चुका है तो हम धुल लेते हैं बर्तन। तो आरसी उधर खेल रही है, तब तक खेलेंगे तब तक हम अपने काम निपटा लेंगे। तो आज हमारी बिटिया रानी ने खूब ज़्यादा मस्ती की है, हाथों में खूब ज़्यादा नेल पेंट लगाई है। अब इसको कैसे छुड़ाएंगे हम, हमको नहीं पता। तो वो कर रही हैं आराम, अब खेल रही हैं सबके साथ। हमने बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद कर देते हैं यहाँ की सफाई। नीचे करने के बाद हम आ गए ऊपर, क्योंकि आज चौका शाम को ही लगा देंगे। शाम के अब तो रात हो गई है, 8:30 बज रहा है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी रहती है तो चौक ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसीलिए सब काम शाम को ही निपटा दो तो अच्छा रहता है। और जब आपके पास छोटा बच्चा होता है तो सुबह बहुत कितना भी करो देर हो ही जाती है, बच्चे को भी संभालना रहता है। और हमारी बिटिया रानी तो हमारे साथ ही उठती हैं, वो चाहे 5 बजे उठो या 5:30 बजे उठो, वो साथ में ही उठती हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए शाम को कर दो तो सुबह फिर चिंता नहीं रहती किसी काम की। तो चौका हमने लगा लिया है, अब लगा देंगे पोछा। तो दोस्तों काम तो सारे निपटा लिए हैं, खाना पीना बर्तन सब हो चुका है, और हमारी बिटिया रानी अभी खेल रही है, अभी सोई नहीं है, तो उनको सुलाना भी है, उनकी मालिश भी करनी है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम।